Hey everyone, welcome back to my channel. Today I'm super excited because we are diving into something that every college student and beginner makeup lover can relate to: affordable makeup products. Mujhe pata hai ki it's so hard to find budget-friendly products, especially jab aap college mein ho aur aap student budget mein ho. To maine Nykaa se jo sabse lowest priced products hain हर कैटेगरी में वो मैंने परचेज किया है. एंड कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो रिक्वायर्ड नहीं हैं, जो हम स्किप कर सकते हैं एज कॉलेज स्टूडेंट और एज अ बिगिनर, और वो मैंने स्किप किया है. कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मैं रीयूज करूँगी, फॉर एग्जांपल आईब्रो पेंसिल, और मे बी आई शेडो को मैं एज कॉन्टोरिंग भी यूज कर सकती हूँ. सो दोज आई ट्राई. ऑल्सो आई हैव नेवर यूज दीज प्रोडक्ट्स, सो इन दैट केस this is the first time I'll be trying these products right in front of you. And because I'm not a makeup artist, तो obviously मैं वही show करूँगी जो अभी तक मैंने सीखा है. Presentable होना office में या college में, that is really required. मैं अपने college days को कभी कभी जब मैं अपने photos देखती हूँ तो बहुत अलग look है मेरा उस time. और उस time मैं products use भी नहीं करती थी, makeup में use नहीं करती थी, क्योंकि obviously purchase करने के लिए उतने पैसे रहते नहीं थे. एंड नाउ आई रियलाइज कि कितना रिक्वायरमेंट होता है थोड़ा बहुत प्रेजेंटेबल होने. ऑफकोर्स आप जब कॉलेज में हो आपका ध्यान ज़्यादा पढ़ाई में होना चाहिए, बट यू नीड टू लुक प्रेजेंटेबल एज वेल. और हाँ, बहुत ज़्यादा मेकअप करके भी जाना इट लुक्स वियर्ड इन कॉलेज, बट हाँ अगर आपको पसंद है टू बी लाउड, सो ऑफकोर्स यू कैन प्ले विद दीज प्रोडक्ट्स. ऑल्सो आई फील कि मेकअप गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ बूस्ट एंड कॉन्फिडेंस, एंड इट्स अ फन वे टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. एंड आई एम नॉट सेइंग कि जिनको मेकअप करना पसंद नहीं है उनको मेकअप करना चाहिए. इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू डू मेकअप, गुड, यू शुड बी दैट वे इफ यू फील लाइक, इफ यू आर कम्फर्टेबल विद इट. फॉर एग्जाम्पल आई नेवर वोर मेकअप व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, बट हाँ मुझे अभी लगता है आई शुड हैव यू नो यूज अ लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्ट व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज. लुकिंग प्रेजेंटेबल मेक्स यू लुक अ बिट पुट टुगेदर, एंड इट्स ऑल्सो अ ग्रेट वे टू शो ऑफ योर पर्सनैलिटी. That's what I feel about putting makeup, but it's not mandatory, of course. Okay, so now let's get to the products. So I'll show you these products, and I'll also put the price list in the description or maybe on the screen somewhere, because I'll have to recheck the prices. But whatever I have purchased, everything has come within 1,000 rupees, 1,000 to 1,050 rupees. There are a few things jo aap skip kar sakte hain out of these. If you don't feel like buying that, you can skip that. And it can be within 1,000. जो applicators है, for example sponge या जो eye shadow applicator है, वो मैं पहले का use कर रही हूँ जो मेरे पास already है. So the first thing that I'm going to do, so I went to the hospital today, so my face is not how it should look right now, it's all tired. So first I'll just clean up my face. So I didn't put any makeup. So I didn't put any makeup, I just had some lip balm on and some kajal. I didn't even use my eyebrow pencil, so it shouldn't be very difficult to take off. So there's nothing, like really nothing. So next thing I'm going to use is moisturize my skin, but if it's daytime, please use a sunscreen over your moisturizer. Of course moisturizer is not included in the price. तो आप जो मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो ऑलरेडी, जो आपको आपके स्किन को सूट करता है आप वो यूज़ करो. आई एम यूजिंग न्यूट्रोजिना का ऑयल फ्री मॉइस्चर, इट हैज़ SPF 15, बट ड्यूरिंग डे टाइम मैं उसके ऊपर एक सनस्क्रीन भी लगाती हूँ विच इज़ ऑफ SPF 50. तो मैं डबल लगाती हूँ, बट इस टाइम पर मैं सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ. इट्स बेटर टू लैदर योर फेस विद इट, एंड अभी क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा विंटर का सीजन आ रहा है, तो इट्स बेटर टू यूज मोर, बिकॉज आफ्टर यू पुट मेकअप ऑन उसके बाद इफ यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन इट बिकम्स वेरी फ्लेकी. सो इट्स बेटर टू जस्ट पुट अ लिटिल बिट ऑफ मोर मॉइस्चराइजर. सो द फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू यूज इज अ फाउंडेशन. सो आई एम यूजिंग दिस 220 शेड. दिस इज फ्रॉम मेबलिन फिट मी. And I'll have to check the shade also. If it's, I think it's a bit darker than my shade. Maybe it's fine. I'm not sure. So this is the first time I'm using this product, and it has SPF 22 as well. So I already have SPF 15 on top of it. I'm using SPF 22.
तो पहले आप कम से शुरू करना, डोंट यूज़ अ लॉट ऑफ इट, बट उससे पहले लेट्स ट्राई समथिंग. एंड ये मैं स्पेसिफिकली मैंने ये इसीलिए मंगवाया था ये प्रोडक्ट, ताकि मैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर पाऊँ. सो दिस इज़ स्विस ब्यूटी एंड ये मैट लिप लाइनर है, जो कि मैं एज कलर करेक्टर यूज़ करूँगी. बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, बिकॉज आई डू हैव डार्क सर्कल्स बट नॉट अ लॉट. तो मैं ये ऑरेंज का लिप लाइनर लिया है, मैट लिप लाइनर. सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स. दिस इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर द फर्स्ट टाइम. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट थोड़ा सा नीचे. ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट. थोड़ा सा ऊपर भी लगा लेंगे. जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा डिस्कलरेशन हुआ है, एक इशू जो ऑफन आता है कि जब आप फाउंडेशन लगाते हो, यहाँ पे बहुत वियर्ड सा एक वाइटनेस दिखता है. सो आई होप कि इस फाउंडेशन में वो चीज़ ना हो. दो इट्स अ चीप फाउंडेशन, इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली फाउंडेशन. आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द spots. These are already red. जहाँ पे भी आपको लग रहा है, अब ये ऐसी चीज़ है जो आपको try करना पड़ेगा in order to, you know, get better at it. And use your finger to just spread it out. You're going to look weird at first, and this is a step that you can skip. So I'm just spreading it out. बहुत ज़्यादा spread नहीं करना है, just a bit of dab. और बहुत ज़्यादा दिखना भी नहीं चाहिए कि आपने कुछ लगाया है reddish. So I think this should be fine. Corners पे भी थोड़ा spread कर लो. And this is the step, as I told you, this is a step that you can skip, completely skip. This is not mandatory. So now, let's use this foundation. अब आपका अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, आप इस पर एक पम्प क्रीम का भी ले सकते हो. आई एम नॉट यूजिंग इट राइट नाउ क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्रीम लगाया है. लेट्स चेक, अगर ये फ्लेकी होने लग गए तो आई पम्प द क्रीम ऑल्सो. जो मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ, एक स्पंज, ये मैंने रिसेंटली यूज़ करना शुरू किया. पहले मैं ब्रश यूज़ करती थी. I think this is much better than brush. It's much easier than brush. Not better, but much easier than brush. Brush से coverage अच्छा होता है, लेकिन इससे easy होता है. और इसका use करने का तरीका ये होता है कि इसको आप पहले अच्छे से गीला करो, squeeze करो, and then you start using. So I'll take a little bit of foundation, spread it. ये मेरे स्किन टोन से थोड़ा ज़्यादा लाइट है, बट लेट्स सी वंस इट सेटल्स. एंड डू नॉट अप्लाई अ लॉट एक बारी में, अप्लाई अ लिटिल एट अ टाइम. ये मैं स्प्रेड करने वाली हूँ धीरे धीरे, बट क्योंकि अभी नीचे मेरा ऑरेंज कलर का एक हमने लेयर लगाया है, आई एम जस्ट पुटिंग इट ओवर इट और नॉट स्प्रेडिंग इट राइट अवे. एंड थोड़ा लिप्स के ऊपर भी लगा लीजिए, आई लिप्स के ऊपर, उससे आई शेडो अच्छा आएगा. I hope you can see the difference. और पीछे तक जो Maybelline का मैंने फाउंडेशन यूज किया है, दिस इज नॉट द चीपेस्ट वन, बट दिस इज समथिंग दैट इज फ्रॉम अ गुड ब्रांड. और इससे आपके स्किन को ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है. और उसके साथ साथ
क्योंकि मैंने दूसरे प्रोडक्ट्स पे काइंड ऑफ बजट फ्रेंडली देखा है, ये उतना कॉस्टली भी नहीं है, बट हाँ दिस इज आई थिंक द कॉस्टलेस्ट प्रोडक्ट अमंग्स दीज आइटम्स, बट आई डेफिनेटली पुट द प्राइस लिस्ट. एट फर्स्ट इट डिड फील कि बहुत ज़्यादा शेड लाइट है, बट इट्स फाइन क्योंकि हम इसके ऊपर कॉन्ट्रिंग वगैरह भी करेंगे, तो आई थिंक दिस इज़ फाइन. मैं थोड़ा सा आँखों के ऊपर ज़्यादा लगा रही ताकि जो हम लोग का आई शेडो का कलर है वो अच्छे से आए, एंड आई थिंक दिस इज इनफ. आपको अगर चाहिए एक शेड और एक आपको अगर थोड़ा और कवरेज चाहिए मे बी और एक पम्प यूज़ कर लो, बट आई थिंक दिस इज़ फाइन, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ब्राइट लग सकता है. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. और मेकअप लगाते टाइम आपको पहले बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत वियर्ड लग रहा है, बट वंस यू पुट लिपस्टिक उसके बाद पूरा फेस नॉर्मल लगेगा. एट फर्स्ट यू विल फील कि नहीं आँखों में बहुत ज़्यादा हो गया या लिप्स बहुत ज़्यादा डार्क हो गए या लिप्स बहुत अजीब हो रहा है, फेस बहुत अजीब जा रहा है. एट फर्स्ट यू विल फील इट क्योंकि आप पहली बार मेकअप लगा रहे हो, मुझे भी हुआ था, एंड इवन योर फ्रेंड्स माइट फील वियर्ड, दे माइट लाफ एट यू जब आप फर्स्ट टाइम मेकअप लगा के जाओ, बट स्लोली इंट्रोड्यूस द मेकअप प्रोडक्ट्स इन अवर डेली रूटीन. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे आप लिपस्टिक लगा के जाओ पहले कुछ दिन, देन यू नो ट्राई आउट न्यू आई शेडोज, वंस दे गेट अकस्टम टू दैट देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग द फाउंडेशन एंड स्टफ लाइक दैट. सो यू कैन स्टार्ट विद लिपस्टिक फर्स्ट. सो द फर्स्ट प्रोडक्ट टू परचेज आई थिंक इज लिपस्टिक, नेक्स्ट मे बी आई मेकअप एंड देन फाउंडेशन, बिकॉज वंस यू पुट फाउंडेशन एट फर्स्ट वो बहुत वियर्ड लगता है स्टार्टिंग में, ऐसा लगता है वाइट कुछ आपका शेड चेंज हो गया है. सो दिस हैज ड्राइड आउट. There are two brown lipsticks that I have purchased. So one is Bobbi Brown and the other one is Choco Nude. Now I'll just try kiska shade zyada dark hai. So this is a bit reddish. So this Choco Nude is a bit reddish. I think this one Bobbi Brown is a bit more brown. For Bobbi Brown, let's see Bobbi Brown kaam karta hai ya nahi. So from one corner टू द अदर बहुत हल्के हल्के स्ट्रोक्स, क्योंकि ये काफ़ी डार्क है, बहुत हल्के स्ट्रोक्स. आई थिंक दिस वन इज मच बेटर. सो द बॉबी ब्राउन वाला इज अ बिट बेटर, बट इसमें फिर भी एक रेडिश टिंज है, तो बहुत हल्का आप यूज़ करना, बहुत ज़्यादा नहीं. आई एम नॉट श्योर कि कैमरा पे दिख रहा है नहीं, बट इट डज हैव अ रेडिश टिंज, तो आप जितना हो सके स्मज कर देना विद अ फिंगर so that there is a shape जो आपको दिखे but not the actual color, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर ली है eyebrows पे. so what I'll do, I'll just use the foundation a little bit, थोड़ा just to cover it up. okay, so next let's move to contouring and eyeshadow. मैंने बहुत सारे पैलेट्स ऑनलाइन देखे, इसका जो कॉम्बिनेशन है कलर्स का वो मुझे अच्छा लगा काफ़ी, बहुत अच्छे शेड्स एक्चुअली. तो लेट्स ट्राई आउट. सबसे पहले हम कॉन्ट्रोरिंग करेंगे और मैं ये जो मीडियम डार्क शेड है ये यूज़ करूँगी, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, स्वाइप ऐसे एंड देन जस्ट शेक इट ऑफ. ठीक है, लेट्स सी कितना डार्क है, इट्स प्रीटी डार्क. तो यहाँ से नोज़ को हम शेप देंगे. आप चाहे तो कुछ कुछ जगहों पे ये दो शेड्स मिक्स कर सकते हो, जो डार्केस्ट ब्राउन है और जो थोड़ा लाइट ब्राउन है, उन दोनों को आप मिक्स कर सकते हो, ये ब्राउन और ये ब्राउन. सो अभी के लिए आई एम यूजिंग दिस. सो ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे. ऑलराइट, अभी अजीब लगेगा. थोड़ा नाक को पतला करने के लिए और मैंने आईब्रोज से खींचा है. ऑलराइट, ये एक हो गया. नेक्स्ट हम साइड का जाएंगे और थोड़ा नीचे आ जाएंगे. सिमिलरली साइड से थोड़ा नीचे आ जाएंगे.
ये चीज आपको थोड़ा सा करते करते समझ आ जाएगा कि आपको कैसा शेप चाहिए फॉर कॉन्टोरिंग। अब ये सारा हम आई शेडो से कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एक बार में मत लगाइएगा क्योंकि फिर बहुत डार्क हो जा सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ यहाँ, और इसी को हम स्ट्रेच करेंगे। और लास्ट जो है वो हम थोड़ा सा अपना डबल चिन हटाएंगे। इससे डबल चिन हटेगा नहीं, बट थोड़ा सा हम इल्यूजन देंगे कि ये पोर्शन डार्क है और ये पोर्शन दबा हुआ है। एक बार जब हमने ये मार्किंग कर ली, अब मैं थोड़ा सा, आप जो हमने स्पंज यूज किया था वो भी यूज कर सकते हैं, उससे मुझे थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी गीला रहता है। तो मैं अपना एक पुराना एक ब्रश यूज करती हूँ, ये फ्लैट ब्रश है, आई थिंक ये शुगर का था, डबल साइडेड ब्रश जो कि टूट चुका है, बट मैं ये यूज करती हूँ। इसलिए आप प्लीज वरी मत कीजिएगा कि आपका ब्रश नहीं है आपके पास या कुछ, दिस इज गुड इनफ, और ये कुछ खास बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट हाँ इट गेट्स द वर्क डन। और इसको बस हल्का सा लाइंस को स्मज कर देना है, दैट्स इट। आई एम नॉट श्योर कितना क्लियरली दिख रहा है वीडियो में, बट इट डज चेंज द शेप ऑफ योर फेस। एंड ये थोड़ा प्रैक्टिस चाहता है, अभी भी मैंने इसको मास्टर नहीं किया है इस आर्ट को, बट स्टिल। सो दिस इज ऑल्सो वन स्टेप दैट यू कैन अवॉइड, इफ यू आर थिन यू कैन अवॉइड दिस स्टेप, कंप्लीटली अवॉइड दिस स्टेप। But if you still want to, you know, sharpen the jawline or something, you can use this, like you do the contouring, but otherwise you won't need it, you won't really need it. Now, the good part, the eyeshadow and the lipstick. Ab eyeshadow ke liye main ye wala dark shade use kar rahi hu, but bahut halka use karna hai. Just try to, you know, dust it off. Bahut halka. Ab main ye college ke hisab se show kar rahi hu, to isliye hum bahut zyada extend nahi karenge. जस्ट ऑन द कॉर्नर्स एक शेप टाइप बन जाए, डस्ट इट ऑफ, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का। ये डार्क शेड, अब यही शेड आप पूरा यूज कर सकते हो, अब यही शेड आप पूरा यूज कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा कलर ऐड करूंगी। एंड बिकॉज वी आर यूजिंग द सेम ब्रश, तो अच्छे से क्लीन करना है ब्रश को, और मैं ये वाला शेड यूज कर रही हूँ जो थोड़ा डार्क है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का। चाहे तो आप अपने स्किन में कहीं पे इसे पहले स्प्रेड कर लीजिए अच्छे से और फिर यूज कीजिए, बहुत हल्का, क्योंकि आप कॉलेज के हिसाब से कर रहे हैं। तो मैं जस्ट एक स्वाइप, बहुत हल्का, सिमिलरली फिर से हल्का सा कहीं पे पहले स्मज कीजिए और बहुत हल्के हाथ से, दैट्स इट। और इसको थोड़ा सा बिल्डअप कीजिए जितना आपको शेड चाहिए। आई थिंक ये शेड इनफ है फॉर कॉलेज, ये फॉर कॉलेज है, अगर आप ऑफिस के लिए कर रहे हैं तो जो डार्क शेड है जो हमने पहले यूज़ किया उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लीजिए,
नीचे भी और सिमिलरली ऊपर भी, बस हल्का सा एक्सटेंड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। ब्रश को अच्छे से पोंछ लेना है ताकि इस पर कुछ न रहे, और जो एजेस हैं उसको हम स्मज आउट कर देंगे पूरा। दैट्स इट, बहुत हल्का हमने यूज़ किया है इसको। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे आईलाइनर। ये मैट आईलाइनर है जो मैं यूज़ करने वाली हूँ। फोटोज़ में मैट आईलाइनर बेटर दिखता है। अब इसका वेट आप कितना रखना चाहो वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ मस्कारा। मस्कारा ब्लू हेवन का है, और ये पहले ब्लू हेवन मुझे याद है करोल बाग में रोड साइड पे मिलता था, बट इसका बहुत पॉपुलर हो गया है ब्लू हेवन अब। अब इससे लिफ्ट उतना नहीं मिल रहा, बट इट्स गुड, इट्स नॉट बैड। और हाँ, हम सेम जो मस्कारा है उसको थोड़ा सा यूज़ कर लेंगे ऑन आर आईब्रोज, बहुत हल्का, थोड़ा और डार्क करने के लिए आईब्रोज को। मैं पर्पल जो है मैं लिप्स पे लगा रही हूँ। ये स्विस ब्यूटी का पर्पल शेड है, काफ़ी अच्छा है, बट बहुत जल्दी फैल नहीं रहा है, बट बहुत हल्का आप लगाइए इसको। इसको बहुत डार्क मत लगाइएगा, और इसका जो हम आउटलाइन करेंगे वो ब्राउन से करेंगे, उससे इफेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। जस्ट ब्रश इट अप, अब हम यहाँ पे रुक सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्लश लगा लूँगी। ब्लश से थोड़ा पॉप आता है फेस पे, तो मैं जो इसमें जो सबसे जो मेरा ये प्रोडक्ट है जो इसमें शिमरी नहीं है, मैं वो यूज़ करने वाली हूँ। सिर्फ फिंगर पे, एक फिंगर पे थोड़ा सा लिया, एंड आई जस्ट पुट इट हियर, एंड सेम क्वांटिटी यहाँ। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है वरना वो ओवर दिखता है। वापस से मैं अपना ब्रश यूज़ करूँगी। अब आप ब्रश, अभी तक मैं सिर्फ ब्रश यूज़ करती थी, मैं स्पंज यूज़ नहीं करती थी, तो आप सिर्फ ब्रश ले सकते हैं या आप स्पंज से ये ट्राई कर सकते हैं। स्पंज से मुझे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इट्स गुड इनफ एक्चुअली। आप चाहे तो जिसका शिमर है यहाँ पे, जो सबसे शिमरी शेड है जो कि ये है, ये आप थोड़ा यूज़ कर सकते हैं हाईलाइट के लिए। मैं वो यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप कॉलेज में जा रहे हैं। सिंपली फिंगर में लीजिए हल्का सा, और जो छोटी वाली उंगली है उसमें लेके हल्का सा, और अब हम इसको थोड़ा सा स्प्रेड आउट करेंगे। तो आईब्रोज के नीचे के लिए मैं अपना आई शैडो ब्रश यूज करूंगी। अब ये आप कॉलेज में, मुझे लगता नहीं कि इसको जरूरत पड़ेगी इस चीज की, स्पेशली आईब्रोज के नीचे। और जो दूसरा ब्रश है उससे हम थोड़ा सा यहाँ पे स्प्रेड कर लेंगे क्यूपिड पे, थोड़ा सा वापस से थोड़ा सा डाल दूंगी क्यूपिड पे, थोड़ा सा डाल दूंगी और थोड़े शार्प लगने लगते हैं लुक्स। सो इट्स एक्चुअली गुड, बहुत बेसिक मेकअप किया है हमने और बहुत कम प्रोडक्ट्स यूज करके किया है, कुछ प्रोडक्ट्स हमने रीयूज किए हैं। सो देयर यू हैव इट, अ सिंपल मेकअप लुक यूजिंग बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट। मेकअप डजंट हैव टू बी एक्सपेंसिव व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट, स्पेशली व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट। तो आप ये प्रोडक्ट्स यूज करके आप प्रॉपर मेकअप आप कर सकते हैं। मैंने बहुत बेसिक शेड्स यूज़ किए हैं मेरे पैलेट में से। आप चाहे तो थोड़ा ब्राइट शेड्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप नाइट टाइम पे कहीं जा रहे हैं। शेड्स कलर्स बहुत अच्छे हैं, मैं एक बार ऐसा करूँगी, एक और वीडियो बना दूँगी जो आई शेडो पैलेट है उसमें जो जो कलर्स हैं उससे आप कैसे कैसे
यूज कर सकते हो ऑन फेस. द की इज टू फाइंड प्रोडक्ट्स दैट यू कैन यूज इन मल्टीपल वेज लाइक द वे वी डिड टुडे. दिस नॉट ओनली सेव्स टाइम बट ऑल्सो मनी वेन यू आर यू नो गेटिंग लेट फॉर कॉलेज और ऑफिस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज. आई होप दिस हेल्प्स यू इफ यू आर अ बिगिनर और यू आर जस्ट लुकिंग फॉर सम अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स. लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी फेवरेट बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट दैट यू हैव यूज एंड यू हैव लाइक सो दैट इवन आई कैन शो इट टू अदर्स. एंड इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियो प्लीज डू कमेंट. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell so that you don't miss out on the next video.